सिस भानु, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये इनडायरेक्टली एनर्जी में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाती है। जो हमारी ऑक्सीजन है वो इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है हम लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with carbon dioxide produced by the cells. Next, अब हम पढ़ने वाले हैं respiratory organ। जो respiratory organ क्या होता है, वो depend करता है on their habitat and level of organization कि हमारा habitat कैसा है। अब हम बात करते हैं simple diffusion। Simple diffusion किसमें होता है? Lower invertebrates like sponge, cylindrata and flatworms में होता है। मॉइस्ट क्यूटिक किसकी होती है? अर्थवॉर्म की। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स किसमें होते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स में, इंसेक्ट में होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिल्स। गिल्स किसमें होते हैं? जिसमें ब्रॉन्चियल रेस्पिरेशन होता है, एक्वाटिक, ऑर्थोपॉड्स, मोलस्क। नेक्स्ट लंग्स। लंग्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ये किसमें होता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में। नेक्स्ट बात करते हैं मॉइस्ट स्किन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसमें होता है? फ्रॉग में होता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।